லலிதால ஆல்ரெடி சேதாரம் கம்மி, ஆடியில கம்மியோ கம்மி, வைரநக கேரட்டுக்கு 4000 ரூபாய் கம்மி. வயில் அமிச்சா பேசி வருகிறார், அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். அல்பமத் கா சவால் இஸ்லியே நஹி ஹை கியோகி ஜப் தக் ஜோ அவிஸ்வாஸ் கே பிரஸ்தாவ் கே விரோத் மே போலே ஹை ஔர் ஜோ சமர்த்தன் சதன் கா திகாய் படா ஹை, மத்தான் ஹோகா தப் ஹோகா ஜோ கராயேங்கே தோ, பரந்து ஜோ சமர்த்தன் திகாய் படா ஹை वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं, मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दो तिहाई बहुमत से दो दो बार एनडीए को चुना गया, पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं, तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय, आज 9 अगस्त का दिन है, 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे
जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है और तुष्टिकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये तीन नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है। परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुष्टिकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं तीन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। दो अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब लेकर। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण, सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को भी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी ये कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर, 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण, 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 1993 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते थे। मगर हमने नहीं किया, हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं।
मान्यवर सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। माननीय उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। माननीय एक ही वोट का फर्क था, और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे, वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई, मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। माननीय हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है, एन के एन प्रकारण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं, और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर अभी बात निकली गरीब कल्याण की, हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता, कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, पांचवें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज
वो घर की महिलाएं आहत होती थी मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11,72,00,000 परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर घर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़ पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं, फ्लोराइड युक्त पानी पीते, भरी जुवानी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर, मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़, मतलब 12,65,00,000 घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था। मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ भेजा। मान्यवर, आज मैं और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है, इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है। तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया, भैया तुम ऋण ही मत। आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे, करीब करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मान्यवर, मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5,00,000 तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं, 5,00,000 रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बोनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49,65,00,000 बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2,00,000 करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से
जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है, कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर अब तक जनधन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो, बैठो बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा, आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, एक पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर லலிதால ஆல்ரெடி சேதாரம் கம்மி, ஆடியில கம்மியோ கம்மி, வைரநக கேரட்டுக்கு 4000 ரூபாய் கம்மி.